कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री माननीय अवस्थी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस उद्घाटन सत्र में। उपस्थित हमारे पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र सर का, जो इस समय कैट के मेंबर हैं, सभी सुधी श्रोतागण, संगीतविद, आप संस्कृति को एक बेहतर तरीके से, उत्तर प्रदेश का जो यह क्षेत्र है अवध, उसकी बहुत समृद्ध विरासत है, धरोहर है, कला, संस्कृति, वास्तु, इस सब का यह एक बेजोड़ धरातल है और इसे हम किस तरीके से प्रस्तुत करें, यह इसका आयोजन है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें और प्रतिभाग करने के लिए हम प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें। यह लगातार हर वर्ष अवध महोत्सव के रूप में आयोजित होता रहेगा। संस्कृति को हम अब उसका, जिसको कहते हैं ना, कल्चर का डेमोक्रेटाइजेशन, संस्कृति का हम लोकतंत्रीकरण ज़्यादा से ज़्यादा करने की पक्ष में हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि बहुत पुराने समय में आपने देखा होगा कि संस्कृति को या सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं, कला, संगीत, इसको राजघराने प्रश्रय दिया करते थे, बाद में सरकारों ने प्रश्रय देना चालू किया, लेकिन अब हम जन सहभागिता के माध्यम से इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और इसी क्रम में यह जो लोकतंत्रीकरण है, इसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, इस दिशा में संस्कृति विभाग अब कार्य कर रहा है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा अवसर बन के हमारे समक्ष प्रस्तुत है। लोगों को हमने जोड़ा है, सबसे पहले जितने भी कलाकार हैं, अब हम उनको न केवल परिचय पत्र QR कोड बेस्ड, और साल भर उनका एम्पैनलमेंट जारी रहेगा, कैसे हम उनको वाद्य यंत्र, उनके पोशाकें दें, उसके लिए हम सहयोग और सहायता दे रहे हैं। साथ ही साथ कोई भी यदि संस्था विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक तत्वों को, सांस्कृतिक तत्वों में हमारा खान पान हो सकता है, हमारे शिल्प हो सकते हैं, हमारे गीत संगीत हो सकते हैं, लोक संगीत हो सकते हैं, उसको यदि बचाने के लिए एक कवायद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हें भी हम 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए भी हमारे पास में धन की कमी नहीं है, कैसे हम प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को जोड़ें। एक ये भी होता था कि जो हमारे लोकगीत है, वही लोकगीत जहां बॉलीवुड में जा करके उसका व्यवसायीकरण करके लोग इतने बड़ा नाम और बड़ा दाम कमा लेते थे, अब हम चाहते हैं कि उन लोक संगीतकारों को, उन लोक नृत्य के धनी जो पुराने लोग हैं, उनको आगे करें। इसके लिए हमने एक और काम किया है, बैकपैक स्टूडियो, हम उन्हीं के घरों में जाके, गांव में जा करके स्टूडियो लेकर के जा करके उसको रिकॉर्ड करके और उसको हम अपने चैनल के जरिए आगे बढ़ाएंगे। तीसरा एक और काम करने जा रहे हैं, संस्कृति का अपना रेडियो स्टेशन, और बहुत जल्द ही जो है हम इसको लॉन्च करेंगे, ताकि सारे हमारे प्रदेश भर के कलाकारों को हम एक बड़ा मंच प्रदान कर सकें और प्रत्येक जनपद में अब महोत्सव आयोजित किया जा सके। यह इस अप्रैल के बाद में हम उसकी प्लानिंग करेंगे, ताकि हर जनपद अपने संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आगे बढ़े और उसका अपना महोत्सव हो, क्योंकि कुछ ही महानगरों में या कुछ ही जनपदों में महोत्सव आयोजित होते हैं, लेकिन अब हम सभी जनपदों में, 75 के 75 जनपदों में करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और उसके अतिरिक्त एक और काम करने जा रहे हैं, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से मेरा गांव मेरी धरोहर, हर गांव की मैपिंग, कल्चरल मैपिंग, हर गांव की कौन सी वह धरोहर है उसके फोटोग्राफ आपको उपलब्ध हो जाएंगे, हर गांव का कौन सा खान पान है वह उपलब्ध हो जाएगा वेबसाइट पे, उसके लिए काम चल रहा है। और प्रत्येक गांव के
लोक कलाकार हो, लोकगीत हो, लोक संगीत हो, खान पान हो, वहां की विरासत हो, ये सब कुछ उपलब्ध होगा। 1 लाख से अधिक गांवों का यह डाटा तैयार करने में हम लोग जुटे हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर के माध्यम से। ये सारे काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने कहा अवधि महोत्सव, इसका जो अपने क्षेत्र की अपनी पहचान है, अपनी गरिमा है, उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करें, आप देखेंगे। 3 दिन के इस आयोजन में बहुत तरीके के विविध आयामों को हमने प्रस्तुत किया है और इसका उद्घाटन हमारी अपनी बीच की जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोक संगीत को एक ऊंचाई दी, एक आयाम और मजबूती दी, उनसे अच्छा व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता था, इसलिए उन्हें हमने मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है कि वो इस कार्यक्रम का आगाज करें, उद्घाटन करें। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद।